हेलो मैं डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल ज्ञान। आज भिडियो पे आम नाइन्थ क्लास रो तुमको हॉलीडे होमवर्क दि जाइए तार आम हिस्ट्री रो समस्त प्रश्न रो पे उत्तर डिस्कशन करवा। ऑलरेडी आम तुम मैथ तापर तुम पे साइंस ये गुड़ाक डिस्कसन कर सारी जो मैंने देखना हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे मुझे लिंक दे दी जाकि तुम्हें देखीदेव। देख प्रथम प्रश्न अच्छी पे देख एशिया और आफ्रिकार उपनिवेशवाद कारण गुड़िक संक्षेप लेख यह डिस्कसन करतापुर देख आफ्रिका महादेश मानचित्र उपनिवेश स्थापित होता अंचल गुड़िकर चिन्हट कर। यह प्रश्न आंसर जावा पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर बेल बटन को अल प्रेस कर और सांग सेयार कर। देख प्रथम प्रश्न अच्छी कौन पे देख एशिया और आफ्रिकार परिवेश कारण प्रथम कारण हो भौगोलिक आविष्कार। देख भौगोलिक आविष्कार कौन पंचदश षोड़श शताब्दी भौगोलिक आविष्कार फल भिन्न भिन्न स्थान में अनेक नूतन अंचल संधान मिलला। नेक्स्ट कौन देख पे नेक्स्ट एगुड़ाक लिख देख यूरोप राष्ट्र मानक एशिया और आफ्रिकार महादेश विभिन्न देश को जलपथ और स्थलपथ आविष्कृत है ये समस्त लिखिद भिडियो को पज करके समस्ते लिखिपर। नेक्स्ट देख यहीपरि देख यहीपर भाव में भौगोलिक आविष्कार उपनिवेश स्थापन कराइला ये तो फास्ट पॉइंट गला। तर नेक्स्ट पॉइंट कौन देख पे देख नेक्स्ट पॉइंट अच्छी तुम लाभजनक व्यवसाय सुविधा यही पॉइंट तुम लिख है पॉइंट देख समस्त कौन कर भिडियो को पज करी आराम नोट कर दिव है। एशिया महादेश अंतर्गत भारत अन्न्य क्षेत्र देश अनेक लाभदायक सामग्री उपलब्ध होता से गुड़िकर विभिन्न प्रकार मसला चाहा कारपास वस्त्र रेशम सुना मुक्ता प्राकृतिक औषध चीनामाटर पात्र इवन काठ मुख्य था ये लिखा आउ यही सामग्री गुड़िक एशिया विभिन्न अंचल को संग्रह कर यूरोपीय मैंने व्यवसाय मानक प्रचुर लाभ करते ये लिख रुक तुम पॉइंट आराम तुम आंसर हो। नेक्स्ट तुम देख जब चाहो सब लिखापी निश्चित भाव भिडियो को पज करके तुम लिखिपार। नेक्स्ट देख तुम दुई नंबर प्रश्न कौन थे पे दुई नंबर प्रश्न था आफ्रिकीय उपनिवेशवाद चित्रलेख बोली कहला चित्र काट कर बोली कहला। देख ये तुम चित्र काटव एठार यूरोप थी तारे ट्यूनिशिया थी है युवा सब थी तारे माडागास्कर थी एशिया महादेश थी है देख सब ये तुम कर। नेक्स्ट प्रश्न कौन दे देख नेक्स्ट प्रश्न देखिए तुम दक्षिण आफ्रिकार बर्णवैषम नीति विरोध में महात्मा गांधी भूमिका यह डिस्कसन करवा एवं चार नंबर शिक्षा अधिकार संपर्क में संविधान क्यों व्यवस्थापना करी सवानता धर्म निरपेक्षता संपर्क में आम संविधान क्यों व्यवस्थान रही यही तीन प्रश्न देखा ये है। देख कौन कौन रही पे प्रथम अच्छे देख पे तुम गांधीजी अच्छी कौन कौन लिख मुझे देख पंचम तो लिखना कहीं पंचम तो लिखना उपनिवेशवाद बा साम्राज्यवाद तथा वर्ण विद्वेषर अहंकार सृष्टि होता है यहाँ मोस्ट लिख पृथ्वी रे शासन करने भगवान गोरा लोक सृष्टि करी प्रचार कर उच्च वर्गर बेचना कर मोस्ट लिख उपनिवेश गोरा शासन मैंने स्थानीय अधिकारी मान निज दृष्टि देखी वर्णगत विभेद सृष्टि कले यहाँ लिख तापर गोरा लोक मैंने स्थानीय लोकों सहित एकाठी न रही स्वतंत्र भाव अलग रही तुम लिख देख। नेक्स्ट देख दक्षिण आफ्रिकार यही वर्णवैषम्य नीति जो सब अधिक गुण्य अवस्था था लिख पॉइंट जमार भी मिस करना देख तुम जाण कि अच्छी ये लिख गोरा सरकार उग्र वर्णवैषम्य नीति विरोध में महात्मा गांधी दक्षिण आफ्रिकार प्रथम आंदोलन करते एट भारतीय मान है भारतीय मान प्रति दमनमूलक आईन और प्रत्याहार कर गोरा सरकार को बाध्य करते पॉइंटा मोस्ट भी लिखे हालांकि गोटे पॉइंट कर। नेक्स्ट देख तुम आ पॉइंट कौन लिख दक्षिण आफ्रिकार महान नेता नेलसन मंडेला दीर्घ 37 वर्ष काल बंदी हो सुधा वर्णवैषम्य नीति विरोध में लड़ाई कर शेषे दक्षिण आफ्रिकार एक अणवर्णवाद गणतंत्र प्रतिष्ठा करते 1994 से दक्षिण आफ्रिकार प्रथम कृष्णकाय राष्ट्रपति थे पॉइंटा तुम लिखिले लिख निखिले लिखिपार कि तुम लिखिदेव है थर्ड पॉइंट देखिए तुम थर्ड पॉइंट देखिए तुम आराम लिखिपार। नेक्स्ट प्रश्न कौन देखिए देख तुम सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार था है सांस्कृतिक शिक्षागत अधिकार शिक्षागत अधिकार जो प्रश्न था लिख जहाँ कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट अच्छी। देख संविधान धारा 29 और 30 भारत बास कर संख्यालघु गोष्ठी व्यक्ति मान स्वार्थ रक्षापी यही अधिकार प्रदान कर प्रथम पॉइंट लिख है देख तर नेक्स्ट कौन रही फल क नंबर लेख फल क नंबर संख्यालघु संप्रदाय भाषा लिपि और संस्कृति सुरक्षा करार अधिकार पाई
ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ଅଥବା ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁଦାନ ପାଉଥିବା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେବଳ ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ଜାତି ଭାଷା ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିବ ହେଲା କ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖି ଦେଉଛି କ ପଏଣ୍ଟଟା ଲେଖିବ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କରିଦେବ ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ କରିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ ତୁମର ଖକୁ କ'ଣ କରିବ ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ଶେଷ କରିଦେବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁଥିଲା ସମାନତା ଅଧିକାର ଲେଖିବ ସମାନତା ଅଧିକାର ଲେଖିବ ହେଲା ସମାନତା ଅଧିକାର ତୁମର ବୁକ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି ଏଇଟା ତୁମେ ଆରାମରେ ଲେଖିପାରିବ ଯଦି ନ ଲେଖୁଛ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପଜ୍ କରିକି ଦେଖ ଆରାମରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା ଏହାକୁ ତୁମେ ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ କରିବ ଏହାକୁ ତୁମେ ଥାର୍ଡ଼ ପଏଣ୍ଟ କରିବ ଏହାକୁ ତୁମେ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ କରିବ ହେଲା ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଏହାକୁ ତୁମେ ଫାଇଭ୍ ପଏଣ୍ଟ କଲ ଏହାକୁ ତୁମେ ସିକ୍ସ ପଏଣ୍ଟ କରିପାରିବ ହେଲା ଏ ଥିଲା ତୁମର ପ୍ରଶ୍ନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଗୋଟେ କେବଳ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ବହିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ତୁମେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିବ ନଚେତ୍ ନ ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ କ'ଣ ଦେଖ ତୁମର ସେଇ ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି କ'ଣ ସମାନତା ଓ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ଏଇ ସେମ୍ ଅଟେ ହେଲା ଏ ଥିଲା ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସ୍କସନ୍ କରିଚାଲିଛି ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କର ସେୟାର୍ କରିଦିଅ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଲ୍ ଅପ୍ ଡାଉନ୍ କରିଦିଅ ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବା ତୁମର ଭୂଗୋଳର ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଦେଖା ହେବା ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ।